रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। इस नए अपडेट से यूक्रेन की चिंता तो बढ़ेगी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है। दरअसल बीते कुछ समय से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया से नजदीकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुछ समय पहले ही पुतिन ने उत्तर कोरिया में वहां के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की और उन्हें एक बेहतरीन कार भी गिफ्ट की। कोरिया में पुतिन और किम के बीच एक सहायता समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश युद्ध जैसे मामले में एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे में पहले से ही रूस को गोले और मिसाइल देने वाला उत्तर कोरिया अब रूस की मदद के लिए यूक्रेन में सेना भेज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में कोरिया के बढ़ते दखल से वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। इस पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार डाला जाएगा। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि कोरिया को यूक्रेन में लड़ने के बारे में दो बार सोचना चाहिए। वो कुछ भी करे या कहीं भी जाए, लेकिन वो तोप का चारा बनेंगे। वायुसेना के मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा, aware of DPRK providing ammunition and weapons to Russia that's been able to help them perpetuate their illegal and unprovoked war against the Ukrainian people. So it's something that we're going to continue to keep an eye on. I would say though, taking a step back, our focus when it comes to the Indo-Pacific region and the Korean Peninsula is on working with allies and partners to promote peace, stability, and security in the region, and that will continue to be our focus. राइडर ने रूस और कोरिया के इस नए फैसले को लेकर कहा कि actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. And as you've heard Secretary Austin and others say, the Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. रिपोर्ट के मुताबिक कोरियाई सेना अगले महीने से यूक्रेन पहुंचने लगेगी। हालांकि अभी ये नहीं पता चल सका है कि कोरिया कितने सैनिक यूक्रेन भेजेगी, लेकिन इस खबर ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका अपने अन्य नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहा था और इस मामले में रूस कमजोर था। ऐसे में रूस को काफी समय से एक ऐसे सहयोगी की तलाश थी जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद कर सके। अब रूस की ये तलाश कोरिया के सहयोग के साथ पूरी हुई। इसके अलावा रूस हथियारों और सैन्य क्षमता के मामले में पहले से ही यूक्रेन से काफी आगे है। अमेरिका भले ही यूक्रेन को हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन रूसी हथियार अमेरिकी हथियारों से भी ज्यादा आधुनिक है। अब उसे कोरिया की भी मदद मिल रही है। ऐसे में स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।